हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया नया सीरीज हमारा, जो है मॉर्निंग मंत्र फॉर नेट यूजी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें टॉपिक डिस्कस किया करेंगे रोज डेली डेली। हम इसमें एक टॉपिक डिस्कस किया करेंगे डेली, हम एक टॉपिक डिस्कस किया करेंगे और वो तुम्हारा हाई यील्ड टॉपिक होगा, मतलब कि तुम्हारे नीट एग्जाम में उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। और इसका टाइमिंग कितना रहेगा तुम्हारा, ये जो टॉपिक रहेगा इसका टाइमिंग मैक्सिमम तुम्हारा 2 मिनट का रहेगा, मैक्सिमम तुम्हारा 2 मिनट का रहेगा। और डेली हम करेंगे ये काम, तो तुम्हारे पास अराउंड में नीट एग्जाम को तुम्हारे पास 175 डेज है, तुम्हारे पास 175 मंत्राज आने वाले हैं। तो आज का हमारा मंत्रा क्या है, आज का हमारा मंत्र क्या है, आज का हमारा मंत्र है प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज को जानना। जो 5 स्टेज है ये, इन पर बेस्ट काफी क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में आए हैं। इस बार भी नीट 20 में भी काफी क्वेश्चन, मतलब की तुम्हारे 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से थे सेल डिविजन में। तो जो भी चैप्टर का हाई टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस किया करेंगे यहाँ पर। तो पहला तुम देखो लेप्टोटीन स्टेज, लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है तुम्हारा, प्रोफेज प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज है ये, मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट की। तो लेप्टोटीन स्टेज में तुम्हारा बुके स्टेज बनता है, इसमें क्या होता है क्रोमोजोम तुम्हारा कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और बुके की टाइप की फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद जो जाइगोटीन है, जाइगोटीन में क्या होता है तुम्हारा, जाइगोटीन में तुम्हारा बाइवेलेंट बनता है और टेट्राड बनेंगे, ऐसे बाइवेलेंट बनेगा और टेट्राड बनेगा और तुम्हारा यहाँ पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ऐसे ये बाइवेलेंट बनेगा और यहाँ पर तुम्हारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पकाइटिन में क्या होता है तुम्हारा, पकाइटिन में तुम्हारा होता है क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है देखो क्रॉसिंग ओवर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में होता है, जो तुम्हारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जो तुम्हारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम में तुम्हारा ये और ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, इनके ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। और तुम्हारे अगर तुमसे पूछा जाए कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बनते हैं, तो वो भी तुम्हारे पकाइटीन में बनते हैं। उसके बाद तुम्हारी आती है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है, जो तुम्हारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था इसका क्या होता है, डिजोल्यूशन होता है और काइजमेटा बनते हैं, काइजमेटा मतलब किसी एक्स फॉर्म बॉडीज बनेगी, इनके डिजोल्यूशन होगा उससे। और उसके बाद तुम्हारा डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा, इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तुम्हें 5 स्टेज दिख रही होगी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन में देखो तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व होना स्टार्ट हुआ, डिजेनरेट होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बुके स्टेज बनी है। जाइगोटीन में तुम्हारा साइनस बन रहे हैं, साइनस बनना स्टार्ट हो गए हैं। पकाइटिन में तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर होता है, काफी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ये। और डिप्लोटीन में तुम्हारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिजोल्यूशन होता है और यहाँ पर देखो ये काइजमेटा बन रहे हैं, काइजमेटा बन रहे हैं, इन्हीं को काइजमेटा बोला जाता है। और फिर जो तुम्हारी डाइकाइनेसिस है, इसमें क्या होगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा डाइकाइनेसिस में तुम्हारा जो काइजमेटा बना था इनका भी डिजोल्यूशन हो जाएगा। तो यही तुम्हारी प्रोफेज की स्टेज है पांचों। तो इस पर हम रोज रोज हम एक मंत्रा डिस्कस किया करेंगे और मैक्सिमम टाइम तुम्हारा 2 मिनट रहेगा उसका, 2 से 3 मिनट रहेगा। आज शायद थोड़ा ज्यादा हो जाए क्योंकि आज हमने इंट्रोडक्शन भी लिया है और सारे हाई लेवल टॉपिक्स जितने भी तुम्हारे नीट एग्जाम में हाई लेवल टॉपिक्स है सबको हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए सपोर्ट करें हमें। और क्या करना है सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अगर अच्छा लगा वीडियो या कंसेप्ट अच्छा लगा तो कमेंट भी तुम लोग कर सकते हो।